नाग पंचमी की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है, एक अत्यंत विशेष तरीके की पूजा है। और इसमें क्या सावधानी रखेंगे? बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। पहले भगवान शिव की पूजा होगी, तब नागों की पूजा होगी। और नागों की स्वतंत्र पूजा मत करिएगा, उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में करिएगा। नाग यानी सर्प एक विशेष तरह की शक्ति के बारे में बताते हैं, और अगर आप उनकी स्वतंत्र पूजा करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे, उनकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो लोग भी नाग पंचमी पर नागों की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन जमीन नहीं खोदनी चाहिए और ना ही साग यानी लीफी वेजिटेबल्स काटने चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया कि नाग पंचमी पर वर्षा ऋतु का समय होता है और जमीन खोदने के दौरान उसके अंदर सांप हो सकते हैं और उनको नुकसान हो सकता है, या छोटे सांप साग में लीफी वेजिटेबल्स में हो सकते हैं जिससे आप उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि नाग पंचमी पर जमीन ना खोदें, और लीफी वेजिटेबल्स वैसे भी सावन में मना होती है, उनका प्रयोग ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सांप से या सर्प से बहुत डर लगता है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं। ऐसा होता क्यों है? देखिए, पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से ऐसा होता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों के मृत्यु के पीछे सर्प रहा होगा, इस जन्म में भी उनके मन में एक फियर साइकोसिस, एक भय होगा। और ऐसे ही लोगों को जिनका पूर्व जन्म का संपर्क रहा होता है, ऐसे लोगों को सपने में सर्प ज्यादा दिखाई देते हैं। क्या करना चाहिए? चांदी के दो सर्प बनवाइए, एक नाग एक नागिन, और एक स्वस्तिक बनवाइए। एक थाल में रख करके दोनों नागों की पूजा करें और एक थाल में रखकर स्वस्तिक की पूजा करें। नागों को कच्चा दूध अर्पित करें और स्वस्तिक के ऊपर बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसके बाद एक मंत्र है, ओम नागेंद्र हाराय नमः, ओम नागेंद्र हाराय नमः। इस मंत्र का जप करें कम से कम 108 बार। और इसके बाद जो दोनों सर्प हैं उनको शिवलिंग पर रख दीजिएगा, वहीं छोड़ दीजिएगा, और स्वस्तिक को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। ऐसा अगर आप नाग पंचमी पर करते हैं तो सांपों का भय या सर्प के स्वप्न आपके लिए बंद हो जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।